कहा चले जाओ आज देर नहीं की है। रोहितास आगे बढ़े हैं, पगिया में आए, फूलों को तोड़ते जा रहे हैं, उसी छपरिया में रखते जा रहे हैं। विश्वामित्र ने विचार किया, रोहितास बगिया में फूल लेने के लिए गए हो, अरे चलो हम भी आ रहे, तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आज महाराज देर नहीं की है, नाग बन करके फूलों में बैठ गए। जैसे ही रोहितास ने आगे हाथ बढ़ाया, एकदम से उंगली में डस लिया। रोहितास मैया मैया कह करके वही जमीन पर गिर जाते हैं। विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के लोगों, किसी का बालक बगिया में फूल लेने के लिए गया है, अगर किसी का हो तो मैया जाकर के अपना पुत्र देख ले। मैया तारा के कानों में जब आवाज पड़ी है, विचार किया मेरा ही पुत्र गया है फूल लेने के लिए। मैया तारा एकदम से भाग करके गई ब्राह्मण देव के नजदीक, मैं चली जाऊं। कहा कि अरे पहले भगवान का भोग लगा दे, उसके बाद जाना। भगवान का भोग लगाया, कहा मैं अब चली जाऊं, कहा पहले हमें भोजन करवा दे उसके बाद जाना। आज मैया तारा ने भोजन करवाया, कहा कि अब मैं चली जाऊं, अरे तेरा पुत्र न हो गया घर की भाभी हो गई, चली जा। आज मैया तारा एकदम से भागी है, न जाने कितनी बार गिरी होगी, आज जैसे तैसे उस बगिया में आई है। जैसे ही पुत्र को देखा, एकदम से गोद में ले लिया है लाला। ये क्या हुआ,